भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला को इनके झूठ के लिए चुनौती दे रहा हूँ। कल सुबह 10 बजे एक्साइज कमिश्नर ऑफिस पे मिलते हैं। आप बताइए 10 बजे शहजाद पूनेवाला चलेंगे? चैलेंज एक्सेप्टेड। इतवार 24 जुलाई को रिपब्लिक भारत पे एक डिबेट थी 7 बजे। ऐश्वर्या उसके अंदर एंकर थे, मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शहजाद थे, और शहजाद ने पिछली बार की तरह अपनी शुरुआत एक झूठ से की कि देखिए दिल्ली के अंदर पहले 250 वाइन शॉप्स होती थी, लेकर शॉप्स होती थी, और अब जो है ये बढ़ा के 850 कर दिया वगैरह वगैरह, सब झूठ। और मैंने इनको टोका, मैंने कहा देखिए आप परसों भी मेरे साथ डिबेट पे थे, मैंने तब भी आपको टोका था कि आप झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली के अंदर आज की तारीख में 468 शराब की दुकानें, और मैंने आपको चैलेंज भी किया, आप चैलेंज से थोड़ा घबराए, और जब ऐश्वर्या ने आपको बोला आप चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे तो आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला को इनके झूठ के लिए चुनौती दे रहा हूँ। कल सुबह 10 बजे एक्साइज कमिश्नर ऑफिस पे मिलते हैं। ऐश्वर्या आप अपना कैमरा लेके आइए, आधिकारिक तौर पे हम उनसे पूछेंगे दिल्ली के अंदर कितने वेंड हैं। मैं बोल रहा हूँ 464 वेंड हैं। मैं 3 बार का विधायक सिटिंग विधायक और दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन हूँ, पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं राजनीति छोड़ूंगा। ये तो कुछ भी नहीं है, एक प्रवक्ता है, ये राजनीति छोड़ेंगे? कल 10 बजे मिलते हैं ऐश्वर्या, आप अपना कैमरा लेके आइए। चैलेंज ये था कि मैं एक फिगर बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 468, आप एक फिगर बोल रहे हैं मान लीजिए 700 या 850, आप अपनी बात पे अड़े, मैं अपनी बात पे अड़ा हूँ, फैसला कैसे होगा? और ये तय हुआ उस चैलेंज के अंदर कि अगले दिन यानी कि सोमवार को 10 बजे सुबह मैं और आप और मीडिया एक्साइज डिपार्टमेंट में जाके आधिकारिक फिगर लेगा। मैं गलत हुआ तो मैं अपनी राजनीति छोड़ूंगा, हालांकि मेरी राजनीति में काफी कुछ है मेरे पास। मुझे आपकी कम उम्र पे थोड़ा सा तरस भी आया और मैंने कहा कि चलिए छोड़िए, मैं आपकी कंडीशन भी हटाता हूँ, आप मत इस्तीफा देना, हम इस्तीफा दे देंगे, मगर आइए तो आधिकारिक फिगर, क्योंकि जनता के लिए सही बात जानना बहुत जरूरी है। और अगले दिन आपने बात पलट दी, आप एक्साइज डिपार्टमेंट नहीं आए, आपने कहा आपको एक्साइज डिपार्टमेंट नहीं जाना, मैंने आपको दूसरा न्योता भी दिया, मैंने कहा चलिए एक्साइज तो डिपार्टमेंट आप नहीं जाना चाहते, LG तो आपके हैं, चलिए मैं आप LG ऑफिस से समय ले लीजिए, मैं LG ऑफिस आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मीडिया को ले जाने के लिए तैयार हूँ, LG ऑफिस आधिकारिक तौर पर बता दे कितनी दुकानें हैं। आप एक झूठ बोलते रहे और मैं आपके झूठ को कैसे प्रूव करूँ कि वो झूठ है? मगर देखिए आज कितना बुरा हुआ, आज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक बहुत बड़ी खबर छपी है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि कैसे दिल्ली सरकार ने कहा था कि पहले 850 दुकानें हुआ करती थी, और इस पॉलिसी में भी ये तय किया गया कि किसी भी हालत में ये दुकानें 850 से ऊपर नहीं हो सकती। जो बार बार आप मुख्यमंत्री का वीडियो दिखाते हैं उसमें यही था कि 850 जो लिमिट है, जो पहले नंबर थी दुकानों की, उससे ऊपर नहीं जा सकती। मगर उस डिबेट में क्या हुआ वो पूरी डिबेट यूट्यूब पे उपलब्ध है, जो देखना चाहे उस यूट्यूब की डिबेट को देख सकता है और फैसला कर सकता है क्या सही है क्या गलत है। धन्यवाद।